हट जाओ, दूर हट जाओ यार, दूर हट जाओ। दिल्ली पुलिस इसको सजा को गाड़ी में डाल रही है। देखिए ये देखिए, एक लेडीज है और ये दो पुलिस वाले हैं, एक लेडीज पुलिस वाली है। ये देखिए सजा को कैसे डाल रहे हैं, ये देखो कितने बदतमीजी। ये दिल्ली पुलिस है, डंडे तक तोड़ दिया पब्लिक को मार मार के। दिल्ली पुलिस ने देखिए टूटा हुआ डंडा, ये देखिए हाथों पाई। देखो पुलिस वाले कैसे, लेडीज पुलिस वाले और जेंट्स पुलिस वाले कैसे लेडीज को अंदर कर रहे हैं जबरदस्ती। इतनी गुंडागर्दी, अल्लाह। शटर तोड़ दिया, घुस गए अंदर, आगजनी कर रहे हैं। ये देखो, और ये पुलिस वाले सब साथ खड़े हुए देख रहे हैं। ये देखो सब पुलिस वाले हैं, कम से कम 200-300 पुलिस वाले होंगे यहाँ, सब तमाशा देख रहे हैं। दंगाइयों को इन्होंने आगे कर रखा है, दंगाइयों को आगे कर रखा है। ये देखो, गोलियां चलवा रहे हैं। देखो शटर तोड़ दिया, आग लगा रहे हैं। अब पुलिस कैसे आराम से खड़ी है, जैसे इनके बाप ने इनके लिए पिक्चर चलवा दी हो। पुलिस के बाप ने जो है इनको छूट दे रखी है कि दंगाइयों का साथ दो और नियतों को मारो। इनके बाप अमित शाह ने इनको छूट दे रखी है। हमारी गली के दरवाजे तक आ चुका है, आग हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। अब आग दरवाजे तक आ चुकी है। और ये भीड़ किसी भी वक्त जान ले सकती है। और शायद मेरा मोबाइल तो बचे या ना बचे, पर जहां तक होगा जब तक मैं जिंदा हूं। ये देखिए धुआं, ये देखिए शिव विहार फेस 7 शमशान घाट के पास। भाई 200 रुपए में विक्रम मस्जिद ले लो, सिर लेना है। आजादी मिल रही है पूरी, ये सब 200 रुपए में मस्जिद लेना है। 200 रुपए में ये जितने भी है, 200-200 में मस्जिद लेना है। देखो यार इसकी बोली लग रही है 200 रुपए में। मुझे गर्व है कि मैं भारत देश में रहता हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पे हुआ, हम करावल नगर क्षेत्र मिलन गार्डन में रहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है, इस मस्जिद में कम से कम 500 गुंडे आए भगवाधारी जय श्री राम के नारे लगाते हुए। एक मदरसा है छोटा सा जो चलाया जा रहा, सब मजदूर लोग हैं। यहाँ पे कम से कम 500 भगवाधारी गुंडे आके जय श्री राम के नारे बुलंद करके उन्होंने बहनों की छाती नोची है, बीबियों को घसीट के मारा है। घरों की हालत मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या घरों की हालत है। आज शर्म आती है कि मैं भारत जैसे पवित्र देश में रहता हूँ। ये मदरसा है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाता है, यहाँ पढ़ाई की जाती है, बच्चों को इस्लाम धर्म सिखाया जाता है कि किस तरीके से। यहाँ के इमाम साहब को दौड़ा दौड़ा के मारा है पूरी तरीके से, इमाम का पता नहीं कहां गायब हुआ है। और बहनों की छाती नोची है और भाभियों को घसीट घसीट के मारा है। आपको दिखाता हूं पूरी डिटेल यहां पे। और थोड़ी सी पुलिस की टीम आई, वो सिर्फ आके और बस मुआयना करके चली गई, यहां पे कोई एक्शन नहीं। भगवाधारी गुंडे थे ये, कम से कम 500। ये घर है, ये घर की स्थिति है। ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी फूकी है, छोटी सी मस्जिद है, हम सब मजदूर आदमी है। कोई 3,000 कमाता, कोई 5,000 कमाता, कोई 10,000। ये भारत देश है हमारा, हमें गर्व है इस देश पे और इन लोगों पे भी गर्व है जो आए थे। ये कम से कम 500 गुंडे, ये केजरीवाल का लगवाया हुआ CCTV कैमरा, इसको इन्होंने तोड़ा लेके गए हैं बिल्कुल ही। ये पत्थर है यहाँ के, यहाँ पे। और इमाम साहब, ये मस्जिद है हमारी, यहाँ पे बैनर लगा था, ये मीटर लगा हुआ है, ये मस्जिद के ठीक सामने वाला घर है। इसमें देखो ये पत्थर हमने, गेट खोलो, ये गेट खोलो। और ये
ऑटो पड़ा हुआ है, सब गरीब आदमी, ये मोटरसाइकिल, ये जलाए हुए रेडी, गरीब आदमी की किसी की रेडी जलाई हुई, ये मस्जिद है, मैं आपको मस्जिद के बारे में दिखाऊं, ये मस्जिद का बैनर नोचा हुआ है और उसके बाद में ये यहाँ पे कुराने जलाई हैं, कसम खाइए कि हम बर्बाद करके रहेंगे, हमारी जिंदगी खतरे में है और आज के दिन अगर हमारा कट गया तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो शायद हम मार दिए जाएंगे कल की सुबह नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हमारी मस्जिद को कुछ भी होता है, करंट भी है यहाँ पे, अगर कुछ भी होता है तो हम मरने को भी तैयार हैं और मरने वाला मार भी सकता है, बस आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि यहाँ पे करंट फैला हुआ, फिर भी हम मस्जिद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे भाइयों को इतना बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के मारा। ये अशोकनगर की मस्जिद है।